उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में आयोजित विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही देरी के लिए कार्यकर्ताओं और जनता से माफी मांगते हुए कटाक्ष किया कि बीजेपी सरकार में कांग्रेस के हेलीकॉप्टर तक को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को बाधित करने की भी कोशिश कर रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के दून दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। प्रदेश प्रवक्ता के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। यात्रा हुआ, नागालैंड अच्छा हुआ। जब हम अपने आसाम में एंटर होते हैं तो वहां पर शुरू हो गई गड़बड़, रोकना, गाड़ियों को पत्थर मारना। क्यों बोली? जब राहुल जी अपनी यात्रा कन्याकुमारी दक्षिण से निकली और कश्मीर तक चली, ये ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जो बीजेपी के सरकार असम में है वहीं पर ये गड़बड़ हुआ, वहीं पर पत्रे मारे गए, वहीं पर हमारे पोस्टर फाड़े गए, वहीं पर हमारे झंडे निकाले गए। लेकिन हम डरने वाले और डर के भागने वाले नहीं। डर के कोई अपना देश छोड़ता है, अपनी सरहद छोड़ता है? उस सरहद पे तो आप बैठ रहे हैं। जब तक आप सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ हिला नहीं सकता। बहुत शर्मनाक है, बहुत खेदजनक है। लोकतंत्र को और संविधान को चोट करने के कदम के रूप में मैं इसको देखती हूँ। खूबसूरती लोकतंत्र की यही है कि सत्ता पक्ष जितना मजबूत है उतना ही विपक्ष को भी मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ कुत्सित प्रयासों से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम पहले परेड ग्राउंड में नहीं होने दिया गया। ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिया जाएगा, जबकि पिछले दो महीनों में वहाँ एक दर्जन कार्यक्रम हो चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में तो वहाँ भाजपा के कई नेता आएंगे, तो कैसे जिलाधिकारी उनको मना करेंगी? तो हमसे कह दिया गया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम नहीं दे सकते। हमने प्लान बी पर काम किया, हमने बनू स्कूल ग्राउंड यहाँ पर आयोजित किया कार्यक्रम। लेकिन कल रात नाटक नौटंकी करते हुए उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे प्रहार है, ये कांग्रेस पार्टी पे प्रहार नहीं है। आप विपक्ष की आवाज का दमन करना चाहते हैं, उसको कुचलना चाहते हैं, ये आपको बैकफायर करेगा। मेरा नेता एक दलित नेता है, दलित समाज से आता है, और जिस तरह का अपमान आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का किया है, उनका कार्यक्रम ना होने देने का जो षड्यंत्र आपने रचा है वो भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। जिस तरह पिछले प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, बहु बेटियों के सम्मान का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो, जिस तरह उत्तराखंड के नौजवानों के साथ, बेटियों के साथ, माता बहनों के साथ अत्याचार किया है, उससे उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड के तमाम लोग आज कांग्रेस के ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं। और जिस तरह आज इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोकतंत्र बचाने को लेकर राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक जिस तरह न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पूरा देश और पूरा उत्तराखंड आज कांग्रेस के साथ धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह राम जन्म आंदोलन के बाद उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था।